20 सितंबर 1944 को बाबा साहब ने कहा था, भारत की आज़ादी पर दलितों की भक्ति किसी दूसरे से रत्ती भर भी कम नहीं है। ये कितने गौरव की बात है कि इतनी ज़्यादा प्रताड़ना सहने के बावजूद भी इस जाति ने अपने बीच से महान क्रांतिकारी पैदा की। भारत के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी, गोलियों से भूने गए, फांसी के फंदे पर झूले और जेलों में भी रहे। पढ़े लिखे सवर्ण समाज ने अपने नायकों को इतिहास के पन्नों पर तो स्थान दे दिया, लेकिन दलित नायकों को कोई स्थान नहीं दिया, क्योंकि निम्न जातीय क्रांति वीरों के नाम से उनकी दस्तावेजों को छूत जो लग जाती थी। जो लोग समाज में एक दलित को अपनी पंगत में नहीं बैठाते, भला वे इतिहास के पन्नों की पंगत में उन्हें कैसे बैठाते। लेकिन रियाया ने अपने नायकों को अपने स्तर पर स्थापित किया। उन्होंने अपने क्रांतिवीर शहीदों के स्थान बनाकर उनकी स्मृतियों को जीवित रखने का प्रयास किया। भूख और बेबसी से जूझता ये समाज क्योंकि अशिक्षित था, इसलिए अपने महापुरुषों का इतिहास याद नहीं रख पाया, वरना पता नहीं कितने ही समाज के क्रांतिवीर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दस्तावेजों में दर्ज होते। इससे भी ज़्यादा जिम्मेदार रही ब्राह्मणवादी इतिहासकारों की बेईमानियाँ, जिन्होंने जातिवाद का परिचय देकर अपने इतिहास लेखन में भी दिया और क्रांतिवीरों को अपनी पंगत में नहीं बिठाया। मंगल पांडे के बारे में आम धारणा है कि वो वीर देशभक्त सैनिक थे और उनकी कथित शहादत के असर की वजह से 1857 की क्रांति घटित हुई। ये इतिहास के नाम पर अनेकों बार बोला गया है, जो बिल्कुल झूठ है, जो अब हमारे जहन में भीतर तक बैठ चुका है। इस झूठ को स्थापित करने में भारतीय इतिहासकारों का जितना रोल है, उतना ही रोल बॉलीवुड का भी है। दोनों ने एक साधारण सैनिक को इतिहास का प्रमुख नायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हरकत न सिर्फ इतिहास के साथ धोखाधड़ी है, बल्कि 1857 के विद्रोह में मारे गए सैकड़ों सैनिकों की मृत्यु का मजाक भी है। मंगल पांडे से भी कई वर्ष पहले ही ये क्रांति फैल चुकी थी, पर अफसोस इतिहासकारों के कानों में चूँ तक नहीं रहेंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन शहीदों की, उन सूरवीरों की, जिन्होंने 1857 से पहले ही देश के लिए अपने आप को शहीद कर लिया, पर उन्हें इतिहास में जगह नहीं दी गई। कारण था उनकी जाति। वैसे तो कई शहीद हुए, पर हम कुछ गिने चुने शहीदों के बारे में ही बात करेंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। कहा जाता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में मंगल पांडे ने की, लेकिन ये तो सरासर धोखाधड़ी है, जबकि 1771 में तिलका मांझी ने विद्रोह छेड़ दिया था और ये हुल विद्रोह था। बाद में 1855 में सिदो कानू ने संथाल विद्रोह को आगे बढ़ाया, जबकि इसके सारे प्रमाण हुल दिवस के मौके पर संथाल विद्रोहियों को याद कर रहे हैं। 30 जून 1855 को संथाल आदिवासियों ने सिदो कानू, चांद, भैरव और उनकी बहन फूलो और जानो के नेतृत्व में साहिबगंज जिले के बोगनाडी में 400 गांव के लगभग 40,000 आदिवासियों ने अंग्रेजों को मालगुजारी देने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान सिदो ने कहा था, अब समय आ गया है फरंगियों को खदेड़ने का, इसके लिए करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया। अंग्रेजों ने तुरंत इन चार भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। गिरफ्तार करने आए दरोगा को संथाल आंदोलनकारियों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी। इसके बाद संथाल परगना के सरकारी अधिकारियों में आतंक छा गया। इसके पहले 1771 से 1784 तक तिलका मांझी उर्फ जबरा पाड़िया ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबी और कभी न समर्पण करने वाली लड़ाई लड़ी और स्थानीय महाजनों सामंतों व अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाई रखी। से 50 साल पहले हमें वीर क्रांतिकारी उपैया चमार के दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। 1804 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक ऐसे साहस का परिचय दिया जिसे देख सुनकर बड़े बड़ों के प्राण भी कांप उठते हैं। वे छतारी के तत्कालीन नवाब के हितैषी एवं विश्वसनीय योद्धा थे। उन्होंने छतारी के किले में बारूदी सुरंग बचाकर सैकड़ों अंग्रेजों को मौत की नींद सुला दी थी। 1807 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। की क्रांति की बात करें तो चमार जाति के लिए एक अन्य गौरवशाली तत्व बरकर सामने आता है। इस दौरान बाकी चमार नमक क्रांतिकारी के सर पर 5,000 का इनाम अंग्रेज हुकूमत ने घोषित किया। जिस जमाने में आना दो आना चला करता था, उस जमाने में 5,000 की कितनी बड़ी अहमियत रही होगी, इस बात का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। इससे बाकी चमार की सक्रियता का भी पता चलता है कि अंग्रेजी हुकूमत उससे किस कदर डरते थे कि उसके सर पर इतनी भारी रकम का इनाम रखा था। ये शहीद बांके उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की तहसील मछरी शहर के गांव
कुंवरपुर में पैदा हुए थे और इन्हें गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दलितों को लेकर देश में अक्सर विरोधी माहौल बनते रहते हैं, पर सच ये है कि चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, आज़ादी की लड़ाई हो या देश की रक्षा, दलितों ने हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में हम सभी मंगल पांडे को जानते हैं, पर वास्तविकता ये है कि उसकी पटकथा लिखी थी मातादीन बंगी नाम के एक दलित ने। भारतीय इतिहासकारों द्वारा इस पूरी क्रांति का श्रेय मंगल पांडे को दे दिया जाता है, लेकिन असल में इस क्रांति के सूत्रधार मातादीन बंगी थे। माना जाता है कि मातादीन बंगी मूलतः मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए इनके पूर्वजों ने यूपी के कई शहरों की खाक छानी और एक समय बंगाल में जाकर बस गए। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे पढ़ लिख नहीं पाए थे, क्योंकि हिंदू धर्म व्यवस्था एक बंगी को पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी। हालांकि मातादीन के पुर के शुरू से ही अंग्रेजी संपर्क में आने से सरकारी नौकरी में रहे, इसलिए शीघ्र ही मातादीन को भी बैरकपुर फैक्ट्री में खलासी की नौकरी मिल गई। यहाँ अंग्रेज सेना के सेनापतियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। एक दिन गर्मी से तर बतर थके मांदे प्यासे मातादीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा। मंगल पांडे ने इसे एक अछूत का दुस्साहस समझते हुए कहा, अरे बंगी, मेरा लोटा छूकर अब पवित्र करेगा क्या? इसके उत्तर में मातादीन ने मंगल पांडे को ललकार दिया और कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहाँ चली गई थी जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटियाधारी गाय और सुगर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटकर बंदूकों में भरते हो। मातादीन की ये बात है मंगल पांडे तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक बटालियन से दूसरी बटालियन, एक छावनी से दूसरी छावनी तक फैलती गई। इन्हीं शब्दों ने सेना में विद्रोह की स्थिति बना दी। मातादीन वाल्मीकि भी अपना कर्तव्य निभाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने बैरकपुर छावनी में भारतीय विद्रोही सिपाहियों से संपर्क बनाए रखा, गुप्त रूप से अंग्रेजों के रखे हथियारों, गोला बारूद, रसद और ठिकानों का पता विद्रोही सिपाहियों को बताते रहे। आज़ादी की लड़ाई का जिक्र चोरी चोरा कांड के बिना अधूरा ही माना जाएगा। गोरखपुर के गांव चोरी चोरा के हत्याकांड का नायक था रमापति चमार। 2 फरवरी 1922 को चोरी चोरा थाने के थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने भगवान दास नामक दुकानदार को ना केवल बुरी तरह से पीटा, बल्कि गंदी गंदी गालियां भी दी। ये गुप्तेश्वर सिंह अंग्रेजों का पिट्टू था। रमापति चमार के नेतृत्व में 5,000 दलितों की भीड़ प्रदर्शन करने के लिए थाने की ओर बढ़ी। भीड़ काफ़ी उत्तेजित थी और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। रमापति चमार ने भीड़ को ललकारते हुए कहा, निहत्य गरीबों पर गोली दागने वाले इन जालिमों को जिंदा जला डालो। फिर क्या था, प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाही जलकर खाक हो गए। शर्मनाक बात यह थी कि महात्मा गांधी ने इस कांड की आलोचना की। वास्तव में गांधी जी को डर था कि आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन इस निचले तबके के लोगों के पास न चला जाए, और इसके लिए उस समय के तमाम क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी को दोषी ठहराया और उन्हें आज़ादी की लड़ाई में बाधक माना। बावजूद इसके भी गांधी की स्तुति में गीत लिखे जाते हैं। अंग्रेजों ने इस कांड में 272 दलितों का चालान किया, 228 दलितों पर सेशन सुभद्र कर अभियोग चलाया। निचली अदालत ने 172 दलितों को फांसी की सजा सुनाई। इस निर्णय की ऊपरी अदालत में अपील भी की गई। ऊपरी अदालत ने 19 दलितों को फांसी और 14 को आजीवन कारावास दिया। बाकियों को 8-8, 5-5 वर्ष की जेल हुई। 2 जुलाई 1923 को 18 अन्य दलितों के साथ चोरी चोरा कांड के नायक रमापति को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इन महान क्रांतिकारियों ने अपनी कौम का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। चोरी चोरा कांड में फांसी और जेल की सजा पाने वाले अन्य क्रांतिकारियों के भी नाम मैं दिए देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अमृतसर के जलियावाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जिस जनसभा पर जनरल डायर ने गोली चलाकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उसमें ज़्यादातर दलित लोग ही थे। इस जघन्य हत्याकांड को देखकर उधम सिंह का खून खौल गया, क्योंकि इन निहत्थे लोगों ने डायर का आखिर क्या बिगाड़ा था जो ने इस तरह घेर कर मौत के घाट उतार दिया। इस कांड ने उधम सिंह को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनका स्वाभिमान इतना भड़का कि उन्होंने इसका बदला लेने का प्रण किया। 13 मार्च को लंदन में जाकर जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर अपने प्रण को पूरा किया। 31 जुलाई को उधम सिंह शहीद उधम सिंह हुए। देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिलों में बसा है। कोई अगर बुलाना भी चाहे तब भी भारत माँ की इस बेटी को कोई नहीं बुला सकता। कोई अगर बुलाना भी चाहे तब भी इस बेटी को नहीं बुला सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही देश की एक और बेटी थी, जिसके सर पर न रानी का ताज था और न ही सत्ता, पर फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वो जी जान से लड़ी और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। वो वीरांगना
जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली जलकारी बाई की। मेघवंशी समाज में जन्मी जलकारी बाई घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख, जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में जलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया तब जलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। जलकारी जितनी बहादुर थी उतने ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह हुआ। ये वीर सैनिक था पूरन, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। रानी लक्ष्मीबाई ने जलकारी की बहादुरी के किस्से सुने तो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने जलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया। जलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोफ चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। केवल सेना में ही नहीं बल्कि बहुत बार जलकारी बाई ने व्यक्तिगत तौर पर भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। कई बार उन्होंने रानी की अनुपस्थिति में अंग्रेजों को चकमा भी दिया। हमशक्ल होने के कारण कोई भी पहचान नहीं पाता था कि कौन रानी लक्ष्मीबाई है, कौन जलकारी बाई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलकारी बाई को युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को पता चला कि जिस वीरांगना ने उन्हें कई दिनों तक युद्ध में घेर कर रखा था वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल जलकारी बाई थी। इसे विडम्बना ही कह लीजिए कि देश के लिए अपने प्राणों की भेंट चढ़ा देने वाली भारत की इस बेटी को इतिहास में बहुत अधिक स्थान नहीं मिला, पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैंप जारी किया। टांटा भील अंग्रेजी दमन को ध्वस्त करने वाली जिद और संघर्ष की मिसाल है। टांटा भील के शौर्य की छवियां वर्ष 1857 के बाद उभरी। जननायक टांटा ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचारों की खिलाफत की। मध्य प्रदेश के हीरो टांटा मामा के जीवन पर आधारित फिल्म टांटा भील भी बनाई जा चुकी है। अपने ही देश में बहादुर टांटा मामा की जानकारी नहीं मिली तो फिल्म के लेखक ने लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी से टांटा भील के बारे में जानकारी मंगाई। इसके बाद फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया। फिल्म में टांटा मामा को अंग्रेजों से लोहा लेना, लूटपाट करना और इस धन को गरीबों में बांट देना, इसके अलावा उनके जेल में गुजारे दिनों को दिखाया गया है। टांटा भील झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेकर अन्याय का विरोध करते रहे, गरीबों की मदद करते रहे। इसके लिए लूटपाट भी करते लेकिन पूरा धन गरीबों में बांट देते। टांटा मामा के कारनामों के चलते अंग्रेज ही उन्हें रॉबिनहुड का नाम देते थे। इस तरह पता नहीं कितने और शहीद हैं जो आज़ादी के पहले संघर्ष में देश की खातिर मर मिट गए, लेकिन गपोड़ीलाल इतिहासकारों ने उन्हें अपने दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया। इससे ज़्यादा बड़ी बेईमानी, इससे बड़ी नाइंसाफी कोई हो ही नहीं सकती। ये सातिर ब्राह्मणवाद का ही असर है कि देशभक्तों के खिलाफ बनने वालों को यहाँ सर्वोच्च पदों पर आसीन किया गया, सम्मानित किया गया, वहीं देश के लिए मर मिटने वालों को इस कदर लावारिस छोड़ दिया गया। वैसे 1857 की क्रांति का जो इतिहास लिखा गया है उसके अनुसार दलितों की भूमिका ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि गदर के नायकों को दलितों ने फिर क्यों देवताओं का रूप दे रखा है, क्यों उनके थान बनाए रखे हैं, क्यों उनका पूजन आज भी कर रहे हैं। इन सब प्रश्नों से जूझते हुए हमारे यहाँ एक सशक्त मुद्दा ये लगता है कि तथाकथित विद्वान इतिहासकारों की लिखी गई इतिहास में और दलित जनता के इतिहास में फ़र्क है, और ये फ़र्क क्यों है इसकी वजह भारत के सामाजिक ढांचे में खोजी जा सकती है। वहीं इसका जवाब भी हासिल हो सकता है कि क्यों हसीये पर पड़ी उपेक्षा की सरकार दलित जातियाँ अपने क्रांतिकारी शहीदों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए थान निर्माण जैसे मौलिक प्रयास करती हैं और तथाकथित इतिहासकारों के मुँह पर करारा तमाशा जड़ती हैं। इतिहासकारों ने दलित शहीदों को छुपाने की, 1857 के दस्तावेजों से खारिज करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन शहीदों की लघु की तासीर गर्म हुआ करती है, जितना कि लावा वे मिटाने से भी नहीं मिटाए जा सकते।